हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। टुडे वी विल डिस्कस ऑन रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ए एलसीआर सर्किट। देखो, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लें। हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या किया था, हमने सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। देखो, उसमें क्या था, हमने इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया था विद एन एसी सोर्स, इस तरह से। फिर क्या किया था, देखो, हमने इसके लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ की थी। फेजर डायग्राम में क्या था, अगर हम रेजिस्टेंस का केस लें तो रेजिस्टेंस के केस में जो करंट है और वोल्टेज है वो सेम फेज में होते थे, तो हमने एक ही डायरेक्शन में लिया। और आपके पास इंडक्टर के केस में क्या होता था, वोल्टेज लीड करता था करंट से बाय द एंगल पाई बाय टू, तो इस डायरेक्शन में होगा। और कैपेसिटर के केस में आपके पास जो वोल्टेज है वो लैग करती है करंट से बाय द एंगल पाई बाय टू, तो इस डायरेक्शन में लिया था। इसे हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते थे, है ना। रेजिस्टेंस के केस में XL इस डायरेक्शन में हो गया इंडक्टर की वजह से रेजिस्टेंस, और ये XC इस डायरेक्शन में कैपेसिटर की वजह से, और ये रेजिस्टर की वजह से, है ना, ये वाली। अब हमने फिर इसमें थ्री केसेस डिस्कस किए थे। देखो, पहले वाले केस में हमने कहा V0L की वैल्यू V0 से C से ज़्यादा होती है अगर, तो इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो इसी डायरेक्शन में आ गया था, है ना, इस तरह से V0L माइनस V0C इस डायरेक्शन में, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया था फिर V0। इसे हमने पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से फाइंड आउट किया था। और इम्पीडेंस की वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई थी R² प्लस XL माइनस XC। अगर V0L की वैल्यू ज़्यादा है तो XL माइनस XC आता है ना। और अगर V0L की वैल्यू, नेक्स्ट वाले केस में हमने क्या किया था, V0L इज लेस देन V0C, तो वहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू में क्या आ जाएगा, XC माइनस XL, बिकॉज वहाँ पे V0C की वैल्यू ज़्यादा है, बाकी इम्पीडेंस की वैल्यू वही रही, क्लियर है। और इस वाले केस में हमने क्या कहा था, जो आपके पास रिजल्टेंट वोल्टेज है वो लीड करती है करंट से बाय द एंगल फाई, और अगर V0L की वैल्यू लेस देन है V0C से, तो उस वाले केस में इस डायरेक्शन में आया था आपके पास जो फेजर सम था, और ये V0 की वैल्यू आई थी। उस केस में जो आपके पास रिजल्टेंट वोल्टेज थी वो क्या कर रही थी, लैग कर रही थी करंट से बाय द एंगल फाई। ये वाली बातें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब देखो, थर्ड वाला केस क्या था, अगर XL किसके बराबर हो जाता है, XC के बराबर हो जाता है। मान लो ये V0L की वैल्यू किसके बराबर हो गई, V0C के बराबर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो देखो क्या हो रहा है, अगर ये चीज़ इसके बराबर हो जाती है तो ये कैंसिल आउट हो रही है, है ना। सिंपल क्या बच गया आपके पास, यही वाला। तो इस वाली कंडीशन में क्या हो गया, जो भी आपके पास LCR सर्किट है वो क्या बन जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव, है ना। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप, क्या बन गया वो, प्योरली रेजिस्टिव, बिकॉज ये दोनों तो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता था, रेजिस्टेंस और वोल्टेज सेम फेज में होते थे, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा उनमें, जीरो। और उस LCR सर्किट को हम क्या कहेंगे, प्योरली रेजिस्टिव, है ना। ये वाला हमने थर्ड केस डिस्कस किया था, ये वाला, फाई की वैल्यू उसमें जीरो हो जाएगी, द वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, तो इस द सीरीज LCR सर्किट को हम क्या कहेंगे उस केस में, प्योरली रेजिस्टिव। देखो, जो ये थर्ड वाला आपके पास केस है, जब XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाती है, यही वाली जो है कंडीशन है रेजोनेंस कंडीशन भी, जो ये थर्ड वाला केस है, ठीक है। तो देखो, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट क्या है, जब XL की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, XC के बराबर, और जब ये कंडीशन आती है तो उसमें क्या होता है, इट इज ए कंडीशन व्हेन इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम मिनिमम एंड करंट बिकम मैक्सिमम। अगर इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, LCR सर्किट की मिनिमम हो जाती है। अगर इम्पीडेंस की वैल्यू कम हो गई, मीन्स रेजिस्टेंस, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम हो गई, इम्पीडेंस तो वही होता था ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट, अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगी, है ना। ये है रेजोनेंस कंडीशन। तो देखो, एट रेजोनेंस XL इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, XC के बराबर। अब हम क्या कह रहे हैं, इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी इस वाली कंडीशन में, मिनिमम होगी। अब देखो कैसे, इंपीडेंस की वैल्यू क्या होती है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर अंडर रूट। या तो आप ऐसे राइट डाउन करो, ये वाला कौन सा केस है, जब XL की वैल्यू XC से ज्यादा थी, तो ये वाला केस, और इंपीडेंस की वैल्यू XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट होती है जब XL की वैल्यू कम होती है XC से। इन दोनों ही केसेस में एट रेजोनेंस क्या होगा, देखो, XL की वैल्यू को अगर हम XC पुट कर दें, यही है रेजोनेंस कंडीशन, तो इंपीडेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ये वाली चीज जीरो हो जाएगी। देखो दोनों में डालोगे आप जब एक्स एल इक्वल टू एक्स सी करेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो प्लस आर स्क्वेयर रह जाएगा सिर्फ, इससे ये वाली चीज कैंसिल होगी स्क्वेयर से। तो जो आपके पास इंपीडेंस की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, आर के बराबर। और ये वाली जो इंपीडेंस की वैल्यू है ये क्या हो गई, यहां पे मिनिमम हो गई। एट रेजोनेंस वैल्यू ऑफ इंपीडेंस बिकम मिनिमम, इंपीडेंस की वैल्यू किसके बराबर रह गई, सिर्फ आर के बराबर, दैट इज आर। और अगर ये वाली वैल्यू मिनिमम है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, है ना। इफ इंपीडेंस इज मिनिमम सो करंट विल बी मैक्सिमम हो जाएगा करंट। तो आई नॉट मैक्सिमम की वैल्यू किसके बराबर होती थी, वी नॉट, जो एलसीआर सर्किट की जो आपके पास रिजल्टेंट वोल्टेज थी वो वी नॉट है, डिवाइडेड बाय क्या होना था, इंपीडेंस होता था। पर उस इंपीडेंस की वैल्यू तो मिनिमम हो गई है और उसकी मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है, आर के बराबर। तो वी नॉट डिवाइडेड बाय आर, तो आई नॉट मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई, वी नॉट डिवाइडेड बाय आर। ये क्या हो गई, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज इंपीडेंस की वैल्यू अब क्या हो गई, मिनिमम। अब देखो इंपीडेंस की वैल्यू ये वाली मिनिमम क्यों है, देखो इंपीडेंस की वैल्यू ये मिनिमम ही होगी बिकॉज जेड देखो किसके बराबर होता है, जेड इक्वल टू किसके बराबर कहा हमने, एक्स एल माइनस एक्स ई का स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर रूट, है ना। आप ऐसे राइट ऑन करो या तो फिर दूसरा एक्स सी माइनस एक्स एल, एक ही बात है। अब देखो जो आपके पास इंपीडेंस की वैल्यू है, इंपीडेंस की वैल्यू ये वाली जो है जेड इक्वल टू आर हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कौन सी है, इसकी मिनिमम वैल्यू है। देखो क्यों मिनिमम वैल्यू है ये, बिकॉज जो आपके पास एक्स एल और एक्स सी हैं इन्हीं चीजों को हम चेंज कर सकते थे। देखो यही चीजें वेरी हो सकती हैं, क्यों, बिकॉज एक्स एल की वैल्यू देखो किसके बराबर होती है, ओमेगा इंटू एल के बराबर, और एक्स सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, वन डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। ये किस पे डिपेंड करती हैं, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती हैं, है ना। देखो ये है ना आपके पास ऐसे, ये इंडक्टर है, कैपेसिटर है, और ये आपके पास रेजिस्टेंस है। इसको आपने एक एसी सर्किट में कनेक्ट किया हुआ इस तरह से, ठीक है, ये सी है, आर है, और ये एल है, है ना। तो अब हमने क्या कहा, देखो जो यहां से जो भी फ्रिक्वेंसी आ रही है, जो भी ये आपके पास जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और कैपेसिटर करेगा, उनकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी फ्रिक्वेंसी पे, देखो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो इसी की वजह से ही इनकी वैल्यू क्या होगी, एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, बट आर की वैल्यू तो क्या है, फिक्स है, ये तो डिपेंड ही नहीं करता इसकी फ्रिक्वेंसी पे। एक बार जो रेजिस्टर की वैल्यू है वही रहेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, इंपीडेंस की, आर के बराबर ही होगी। आपको समझ आया ये मिनिमम वैल्यू क्यों है, है ना। इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, बिकॉज एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू तो किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पे, उसको आप यहां से कम और ज्यादा कर सकते हो, बट ये वाली वैल्यू तो इसके इंडिपेंडेंट है, है ना। तो यहां हमने क्या कहा, जब एक्सएल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एक्ससी के बराबर हो जाएगा, है ना। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो जो इंपीडेंस की वैल्यू है वो किसके बराबर रह जाएगी, आर के बराबर रह जाएगी। और ये वाली वैल्यू क्या होगी, इंपीडेंस की मिनिमम वैल्यू होगी, बिकॉज इससे कम इंपीडेंस की वैल्यू हो ही नहीं सकती, बिकॉज इसकी वैल्यू तो क्या है, फिक्स है। तो इस तरह से देखो एट रेजोनेंस हमने क्या कहा, जो इंपीडेंस की वैल्यू वो मिनिमम हो जाएगी, और जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखो ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, सीरीज एलसीआर सर्किट बिहेव एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एट रेजोनेंस। हम ऐसे भी कह सकते हैं हम, बिकॉज पहले हमने क्या कहा था कि अगर हम क्या कर लें, एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू को क्या कर दें, ये वाला केस देखो, ये था इधर से, ये एक्स सी था और ये क्या था आपके पास, एक्स एल था और ये आर। हमने क्या कहा था, जब एक्स एल की वैल्यू एक्स सी के बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिंपल ये वाली चीज बच गई, तो आप उस एल सी आर सर्किट को क्या बोलोगे कि वो कैसा है, प्योरली रेजिस्टिव है इस वाली कंडीशन में। पर यही कंडीशन किसकी है, रेजोनेंस की भी यही कंडीशन है, जब एक्सएल किसके बराबर हो जाता है, एक्ससी के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट बिहेव एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस पे जो आपके पास एलसीआर सर्किट है वो कैसे बिहेव करता है, प्योरली रेजिस्टिव। तो देखो आज हमने रेजोनेंस कंडीशन के बारे में अंडरस्टैंड किया, क्या होती है रेजोनेंस कंडीशन, जब
इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होती है और करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। और वो कौन सी कंडीशन है, जब एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्सी के बराबर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।